नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चुनावी रैली सोलन में होने वाली है। रैली की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां जिले के पांचों मंडल के अध्यक्ष, नेता और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन बैठक में बीजेपी के गिने चुने पदाधिकारियों ने ही भाग लिया और अधिकतर कुर्सियां खाली ही रहीं। वहीं बैठक में रैली को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। देखिए, पहली बात तो ये कल की जो घटना है मेरे ठीक से जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और इसके प्रति हमारी संवेदना है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने की बात की है और निश्चित है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारे सरकार ने कहा है। देखिए, हिमाचल पूरी तरह चारों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। हमारी तो केवल इतना है कि 14 में चारों जीती, इस समय चारों तो जीत ही रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज हमको बढ़ाना है, उसकी हमारी तैयारी।